हैं। बिहार के बेगूसराय का रुख करते हैं, जहां पर जमीन विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चले। किसानों के लगभग 50 एकड़ जमीन पर कब्जा करने के विरोध में दोनों पक्षों में हाथापाई हुई। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर अपनी पुलिस की टीम ने कार्रवाई की, दोनों पक्षों को खदेड़ा। इसके बाद जाकर ये पूरा बवाल शांत हुआ, लेकिन उससे पहले जमीन विवाद पर किसानों में महाभारत किस तरीके से हुई, खेत के बीचों बीच किस तरीके से इन पक्षों में लाठी डंडे चले, वो आप तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। 50 एकड़ जमीन को लेकर यह पूरा विवाद था, जिस पर कब्जा करने के लिए दो पक्ष वहां पर पहुंचे हुए थे। पहले हाथापाई हुई, उसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाना शुरू कर दिया। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। जितेंद्र, ये पूरा विवाद क्या था, समझाइए। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये नीमाचनपुरा थाना क्षेत्र के बंधुआर गांव का मामला है, जो कि 50 एकड़ जमीन पर महादलितों के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। जो जमीन मालिक है वहां पे घटनास्थल पे जब उनको रोकने के लिए पहुंचता है तो उससे ईटा डंटे और रोड से प्रहार कर दिया जाता है, और फिर बाद में पुलिस मौके पर पहुंचती, उसको भी लोगों ने महादलितों के द्वारा खदेड़ दिया जाता है। अभी तनावपूर्ण स्थिति बनी है, पूरे जो कई थाने के पुलिस यहाँ पे कैंप कर रही है। जी राकेश, चलिए जितेंद्र, आगे कार्रवाई क्या हो रही है, फिलहाल मामला वहां पर सब कुछ शांत है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, कई थाने के पुलिस और सदर एएसपी मनोज तिवारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, मामले को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों पक्ष में अभी भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। जी राकेश, चलिए जितेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार के बेगूसराय से ये बड़ी खबर, जहां पर जमीन विवाद को लेकर किस तरीके से संग्राम मचा, वो आप देखिए। एक खेत रण क्षेत्र में तब्दील हो गया, दो पक्ष वहां पर पहुंचे हुए थे, दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे वहां पर चले। पुलिस वहां पर पहुंची, तब जाकर यह मामला किसी तरीके से शांत हुआ, लेकिन विवाद और तनाव की स्थिति वहां पर अभी बरकरार है।